शिमला से घर जा रहा हूँ दीहा के लिए, तो ये शिमला एक एरिया है। तो बस के अंदर से आपको बस ही बस दिख रहा है, पता नहीं ये अंकल ये ट्यूब के साथ क्या कर रहे हैं सोए हुए शायद। तो ये गाड़ी है, गाड़ी देख सकते हैं आप लोग शिमला के रोड में, और ये ढली का बाजार एक साइड का दिखेगा निचली साइड का, और ये बाईपास ऊपरी रोड जाएगी चौपाल दीहा के लिए, और निचली रोड मुझे उतना पता है पक्का पता नहीं। तो आप लोग ये नज़ारा देख रहे हैं पहाड़ों का, पेड़ों का क्या कॉम्बिनेशन है। ये है ढाबा एरिया टूरिस्ट वालों के लिए, जहाँ पर टूरिस्ट लोग खाना खाते हैं। इससे आगे देख सकते हैं आप लोग देवदार के कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। तो अगले शिफ्ट में हम सीधा कुफरी पहुँच चुके हैं। कुफरी में देख लीजिए, ये तो जानते होंगे आप रेडिशन कुफरी, कुफरी को तो आप भली भांति जानते होंगे, और ये आप क्या गोरिल्ला है चिंपैंजी कोई भी है। तो अगले शिफ्ट में हम वहाँ पहुँच गए, ये बदबू गाड़ी जो कि कचरा लेके जा रहा है, और ये देखिए मुझे ये हल्की हल्की स्माइल पर छुपा के रख रहा है। और यहाँ से आगे जाते हुए आप लोग देख सकते हैं सीधा एक झटके में मंदिर आ चुका है, और यहाँ से वो पार दिख रहा है आपको एरिया फागू का, तो वहाँ भी हम एक झटके में पहुँचेंगे। उससे पहले अंकल के उड़ते बाल देखेंगे हवा के, जो कि तेज़ बस की रफ्तार की वजह से हो रहा, और हमने पिकअप को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और सीधा फागू में लैंड करेंगे। फागू पहुँच चुके हैं, फागू में सवारियाँ उतरते हुए, ये है फागू का बाज़ार। तो यहाँ पे सवारी उतर चुके हैं, यहाँ पे जाम लग चुका है पेट्रोल पंप के पास, और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी है फिर से, लगता है तेल सस्ता होगा। यहाँ पे बहुत गाड़ी लंबी लगी हुई है, पुलिस अंकल भी हैं यहाँ पे। ठीक थाना पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे पुलिस वाले गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं बोलेरो कैंपर के आगे। तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ क्योंकि जाम बहुत था उस दिन। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये भैया दिख रहे हैं जो कुछ आंटी को बता रहे हैं पीछे कुछ है बोल के। तो इससे आगे और जा रहे थे हम, अंकल शायद यहाँ पे रिचार्ज के बारे में पूछ रहे क्योंकि रिचार्ज स्टेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे। इससे आगे आगे जाएंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा ठियोग का बस स्टेशन है, यहाँ पे नीचे को ढाबे दुकान भी है बहुत सारे। तो ये बस के अंदर से नज़ारा बस ठियोग बस स्टैंड का, तो बाहर की ओर भी आपको दिखाएंगे हम लोग। ये देखिए जुतियाँ, जूते लड़कियों के लिए, सवारियाँ बस का वेट करते हुए अब अपने डेस्टिनेशन के लिए। ओ नियर बाय डिपोर्ट की सरकारी बस, इससे आगे आपको देखने को मिलेगा एनएसके बस जो कि रफ्तार में जाने वाली है, लेप्टा बस। यहाँ की सारी बसें रफ्तार में जाने वाली। अगले ही क्षण में हम पोटैटो ग्राउंड में पहुँच चुके हैं, आइसक्रीम की दुकान। तो यहाँ पर रफ्तार बढ़ाते हुए हम एक झटके में और जाएंगे, और इस फ्रेम में आपको दिख रहा है मड़ाव के व्यू बस, बल्कि मैं झीना के व्यू में। तो आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे सिड्डू फेमस ढाबा, और हम यहाँ छह लगेजे पहुँच गए। उस तरफ जाएगा आपका कोटखाई या रोडू, इस साइड जाएगा आपका देहात चौपाल। तो अगले शिफ्ट में हम सीधा आपको दिखाएंगे पराला, जहाँ पे सेब मंडी है, फलों की मंडी है, तो यहाँ सब्जी मंडी भी बन रही है, ऊपर पर कोल्ड स्टोर बन रहा है। तो और नज़दीक से देख लीजिए इस मंडी का नज़ारा। तो अगले शिफ्ट में सीधा हम जाएंगे नीचे लीली पुल, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ जाके हम बस रोक हमने रूम बस रोकेगी, वहाँ पर खाना खाया जाएगा। इससे पहले हम सेंज जाएंगे, सेंज में पहुँच चुके हैं, सेंज में मेन बाजार सेंज। और इससे आगे बढ़ते हैं हम आपको फिर से लीली पुल दिख रहा है आपको नीचे इस साइड से। तो ये लीली पुल का बाजार, और एक ये भी बस, और मंडी डीव ने अपना ढक्कन बदल दिया है, हरे से काला कर दिया है, पेट्रोल पम्प। यहाँ पे है आपका बजरोली पुल, और बजरोली पुल का ऐसा नज़ारा। उसके बाद शिफ्ट होंगे सीधा पा रहे हैं जनान जाने वाली रोड, एक मोड़ काटेंगे तो ये पीछे है करोली नाला, तो इस साइड से जाना है ऊपर। तो बस के अंदर से नज़ारा देख सकते हैं बाहर का, उस साइड का ये देख सकते हैं पहाड़ों में रोड, पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है। सीधा जाएंगे हम सीधा शिफ्ट होंगे, उसके बाद ये है आई थिंक रोड का मंदिर, और हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी रफ्तार को कंटिन्यू करते हुए बस में। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर वेलकमिंग गेट पे, तो पहुँच चुके हैं हम तारापुर आगे जाएंगे चांदनी, और पीछे है राक्षस नाला जहाँ पे ढाबा है, और ये देहा का नज़ारा इस साइड से देख सकते हैं हम लोग। तो
उंगली क्षण हम अगले झटके में कहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे राक्षा। ये है राक्षा का एरिया, तो इससे आगे होना कैंची पे सीधा देहा पहुँच चुके हैं हम लोग। देहा में उतरेंगे, ये है देहा का बाजार, नजारा। अगले शिफ्ट में हम पहुंच चुके हैं नेरवा के व्यू में। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ घर, बस चली गई है, उतर चुका हूँ मैं रोड पे। अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है और जा सकता हूँ।